viewers, Tanvi this side. Welcome to Sterling Academy. So last lecture में हम लोगों ने क्या discuss किया था? Resource planning discuss किया था, right? हम लोगों ने class 10th का geography chapter resources and development start किया था. उसमें आज का हमारा topic है land resource, right? So land resource क्या है? Land resource. We live on land. We perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Right? Land क्या होती है? हम लोग land पर रहते हैं. Different economic activities land पर करते हैं. Right? और बहुत सारे जो land है, हम different तरीके से अपने use में लेते हैं. So, हमारे लिए लैंड बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. लैंड इतनी ज्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको हर काम में भी लेते हैं. लैंड रिसोर्स फाइनाइट है और लैंड रिसोर्स लिमिटेड भी है. सो लैंड को यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है. राइट? मैं इसको पाई चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है. ये हमारी लैंड है और इसका 27% पार्ट जो है वो प्लेटो है, 30% पार्ट माउंटेन्स में है और 43% पार्ट जो है वो प्लेन है. ठीक है? डू यू नो स्टूडेंट, इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? मैंने आपको इसमें इन स्क्वायर किलोमीटर्स, हेक्टर्स और एकर्स में इसको मैंने डिफाइन किया है. इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. राइट? और अभी तक आपको पता है कि 93% ही सर्वे किया गया है. इसका 7% पार्ट अभी तक सर्वे नहीं किया गया. डू यू नो कि कौन से ये दो पार्ट हैं जो इंडिया के सर्वे नहीं किए गए हैं? ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है, ये ओवरऑल इंडिया का तो है, बट इसमें से भी ये 93% है. 7% अभी तक नहीं है. 7% डिस्प्यूटेड एरिया है और ये आप सब जानते हैं. आपको एक नाम पता है, एक स्टेट पता है आपको, जम्मू कश्मीर, उसका तो आपको पता है, बट सेकंड स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, ये दो ऐसे एरिया हैं जो डिस्प्यूटेड हैं. इसका कुछ एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है. इस रीजन से 7% जो पार्ट है वो अभी तक सर्वे नहीं किया गया है. तो यही जो 7% एरिया है ये हमारा अभी तक काउंट नहीं होता. अब आता है नेट जोन एरिया. नेट जोन एरिया क्या होता है? नेट जोन एरिया इज द टोटल एरिया सोन विद क्रॉप्स इन आवर कंट्री. पूरी कंट्री का जितना एरिया जो क्रॉप्स उगाने के लिए यूज किया जाता है, जो एरिया पूरी कंट्री में से जितना एरिया क्रॉप्स को, फसलों को उगाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नेट जोन एरिया. आपको पता है कि कितना एरिया जो है वो डिग्रेड हो चुका है? 40% एरिया डिग्रेड हो चुका है और 60% एरिया नॉर्मल है. राइट? तो मैं आपको इसमें यह भी बताना चाहती हूँ कि नेट जोन एरिया में इंडिया के अंदर कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां 80% से भी ज्यादा का एरिया जो है वो नेट जोन एरिया है, और कुछ ऐसी स्टेट हैं जिसमें 10% से भी कम का एरिया जो है वो नेट जोन एरिया है. क्या आप मुझे बताएंगे कि कौन सी स्टेट ऐसी है? फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा पंजाब जो है, जहां पर बहुत ज्यादा शुगर केन और वीट की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, तो 80% एरिया जो है वहां पर नेट जोन एरिया है. और अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है वो 10% एरिया ऐसा है जहां जो नेट जोन एरिया है, जहां पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं. वो एरिया इस तरीके का है ही नहीं जहां पर खेती की जा सके. सो
इंडियाज टोटल डिग्रेडेड एरिया, ये मैंने आपको टर्म्स में लिखा है कि कितना एरिया जो इंडिया का है वो टोटल डिग्रेड हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिससे लैंड जो है वो डिग्रेड होती है। कोई रीजंस तो होनी चाहिए ना, कोई भी काम के किसी भी चीज के रीजन तो होते हैं। रीजंस ऑफ लैंड डिग्रेड, फर्स्ट इन हरियाणा पंजाब, द मेन रीजन इन हरियाणा पंजाब की जो लैंड जो है डिग्रेड है, उसका मेन रीजन क्या है, वहां पर ओवर इरिगेशन है, इसी रीजन से लैंड डिग्रेड है। सेकंड मैंने लिखा है राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान और गुजरात में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड है। थर्ड मैंने लिखी है इन छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओवर माइनिंग की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हुई भी है। अब लैंड तो डिग्रेड हुई है, इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन तो होता ही है साथ में। तो लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हमें करने चाहिए और जो गवर्नमेंट भी करती है। सॉल्यूशन टू लैंड डिग्रेडेशन, फर्स्ट कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग। हमें कंट्रोल करना पड़ेगा जहां ओवर माइनिंग हो रही है, जहां ओवर इरिगेशन है और जहां ओवर ग्रेजिंग है। नेक्स्ट एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, इसी से लैंड जो है डिग्रेड होने से बच जाएगी। और लास्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। किस लैंड का, वेस्ट लैंड का। ये वेस्ट लैंड क्या है, ऐसी लैंड जो हमारी यूटिलाइज नहीं है, नॉट यूटिलाइज, ये हमारी जो लैंड है ये हमारी यूटिलाइज नहीं होती, ये किसी भी काम नहीं आती, इसको हम वेस्ट लैंड बोलते हैं। सो आज हमारा चैप्टर, ये इस चैप्टर के अंदर आज हमारा टॉपिक कवर होता है लैंड रिसोर्स, किस तरीके से लैंड डिग्रेड होती है, किस तरीके से हमें लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है, हमारा कौन सा एरिया कितना नेटसोन एरिया है और कौन सा एरिया हमारा बिल्कुल भी नेटसोन एरिया नहीं बोला जाता। आज हमने ये भी पढ़ा कि हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना लास्ट जो पार्ट है वो कवर करेंगे सॉइल का, राइट। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक।